नमस्कार, न्यूज फ्लैश में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के जनपद हमीरपुर पहुंचे काशी सुमेरु पीठ के जगतगुरु शंकराचार्य नरेंद्रानंद सरस्वती का बड़ा बयान। राजनीति धर्म से नियंत्रित अयोध्या में हुई समाजवादी की जीत पर शंकराचार्य बोले, राम आस्था का विषय है। आदिकाल में भी युद्ध में कभी देवता जीते तो कभी असुर। विश्व में केवल सनातन ही धर्म है, बाकी सब मजहब पंथ और विचारधारा है। राम मंदिर में मूर्ति स्थापना पर हुए विवाद को लेकर बोले कि सब समय पर हुआ है और विधि विधान से हुआ है। 450 साल बाद राम को अपना स्थान मिला है। इससे पहले जब राम टेंट में थे तब नहीं इन धर्म गुरुओं को शास्त्र याद आए। राठ तहसील क्षेत्र के चिल्ली गांव में चल रहे विष्णु महायज्ञ में शिरकत करने पहुंचे जगतगुरु शंकराचार्य ने यह बात कही। यहाँ का प्रयोजन है यज्ञ, भागवत कथा और धार्मिक सत्संग। विखंडित विभाजित असंगठित समाज को एक सूत्र में जोड़ने का माध्यम है धर्म। धर्मस्य विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा। विश्व की प्रतिष्ठा का आधार धर्म है, जो हर व्यक्ति के शरीर में अनुस्रूत है। विश्व में अगर कोई धर्म है तो सार्वभौम सनातन हिंदू धर्म है। इसके अलावा सब मजहब हैं, पंथ हैं, विचारधाराएं। अच्छा, धर्म का राजनीति में ये इस तरीके से आना या उपयोग करना राजनेताओं द्वारा, ये कितना सही मानते हैं? धर्म से नियंत्रित अगर राजनीति होगी तो समाज में सुशासन होगा, लेकिन जब राजनीति से धर्म नियंत्रित होता है तो समाज में अराजकता होगा, उच्छृंखलता होगा, भ्रष्टाचार होगा, आतंकवाद होगा, उग्रवाद होगा। पहले इसको धर्म कहते थे, जब धर्म से काम नहीं चला तो इसको सनातन कहा, और जब बहुत से विजिटेबल मतलब नकली धर्म पैदा हो गए, जैसे डालडा 70 साल पहले नहीं था अब है, तो जब डालडा विचारधाराएं पैदा हो गई तब इसमें विशेषण हिंदू लगाया गया। धर्म कहा, फिर सनातन कहा, फिर हिंदू कहा। ये सब विधि सम्मत शास्त्र सम्मत है। वेदों ने कहा धर्मम चर, भागवत ने कहा भगवत सोत मिच्छामि निर्णाम धर्मम सनातन, और गीता में भी यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत वहाँ धर्म शब्द कहा। तुलसी ने भी जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, मेरुतंत्र कालिका पुराण यौनी रौनी कांता हिंदुओं बिंध मा बिशन, मतलब विंध्याचल और उत्तर में हिमालय और असेतु मतलब समुद्र, भारत की चतुर्दिक सीमाओं में समुद्र था, इसके मध्य में रहने वाली प्रजाति को हिंदू कहा जाता था। सिंधु से हिंदू नहीं है, हिंसायाम दूरते यासा हिंदू, जो दूषित हीन विचारधाराओं का त्याग करता था उसको हिंदू कहते थे, या हिंसा में जो विरत रहता था उसको हिंदू कहते थे। लेकिन वैद की हिंसा हिंसा न भवती, अगर डॉक्टर हिंसा को देखे, रोगी की जरूरत है, पैर में सड़न लग रहा है, तो अगर डॉक्टर देखे कि इसको पैर काटेंगे तो इसको पीड़ा होगी तो रोग ठीक नहीं हो सकता। तो समय पर जब इस देश को जरूरत पड़ती है